ओके जी, कल तक हमारा हमने रनर्स किया था। रनर्स के थ्रू हम जो किस तरह डिफरेंट यूजर्स को डिफरेंट यूजर्स के अंदर रहते हुए हम जो डिफरेंट यूजर्स के राइट्स को जो हम यूज़ करते हैं प्रोग्राम जो थे वो रन करते थे, इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम्स हमारे पास आ रही थी कि लाइक इसमें हमारे पास कुछ ऑप्शन जो थे वो अवेलेबल नहीं थे। उसको जब हम जो रिमोट सेशन करेंगे आज थ्रू यूजिंग कंप्यूटर मैनेजमेंट, इसको थोड़ा सा इस चीज़ को चेक करते हैं कि कंप्यूटर मैनेजमेंट को जब मैंने गेन करना, मैं सर्वर के ऊपर बैठता हूँ, सर्वर के ऊपर मैं देखता हूँ, राइट क्लिक मैनेज के अंदर जाता हूँ, कंप्यूटर मैनेजमेंट का टैब मेरे पास ओपन हो जाएगा। कंप्यूटर मैनेजमेंट का टैब अगर मैंने ओपन किया तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, कंप्यूटर मैनेजमेंट लोकल मीन, अगर यहाँ पे लोकल लिखा हुआ है यहाँ पे कुछ और भी आ सकता है। अब देखो कंप्यूटर मैनेजमेंट के अंदर हम कर क्या कह सकते हैं, क्या कंप्यूटर मैनेजमेंट के अंदर आपको कंट्रोल पैनल नज़र आ रहा है? नहीं नज़र आ रहा ना। मीन इसके अंदर एक हर एक जो आप कमांड जो यूज़ कर रहे हैं, जो एक विंडोज़ यूज़ कर रहे हो उसका एक लिमिटेड स्कोप है। इसके अंदर आप क्या क्या कर सकते हो, इवेंट व्यूअर देख सकते हो, शेयर्ड फोल्डर्स को देख सकते हो, अगर आप यूजर्स क्रिएट करना चाह रहे हो तो आप उन यूज़र्स को जो देख सकते हो, डिवाइस मैनेजर है, देन आपकी जो स्टोरेज के रेफरेंस आपके पास कुछ जो एप्लीकेशन है। मीन जो इस कंप्यूटर मैनेजमेंट के स्कोप के अंदर चीज़ें हैं, हम यहाँ पे सिर्फ वही चीज़ें परफॉर्म कर सकते हैं। हमारा टास्क है कि हमने रिमोट एडमिनिस्ट्रेशन कर लिया कंप्यूटर मैनेजमेंट के ऊपर। मैं यहाँ पे किस मशीन के ऊपर बैठा हूँ इस वक्त, सर्वर के ऊपर। मैं चाहूँ कि यार मैं यहाँ पे सर्वर की बजाय मैं यूज़र्स क्रिएट करूँ PC1 के अंदर, PC2 के अंदर, PC3 के अंदर एंड PC4 के अंदर। जो हमारा टास्क था ये वाला क्यों था, ये हमने टास्क क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि हमें फर्दर इनकी जो नीड पड़ेगी। मैं यहाँ पे कनेक्ट करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, राइट क्लिक करूँगा, मेरे पास मैसेज है कनेक्ट टू अनदर कंप्यूटर, क्लियर हो, मैसेज देख लो यहाँ पे। मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, ब्राउज करो, अगर तो आपको पता है आपके PCs के एड्रेसेस वगैरह का पता है, नेम वगैरह का पता है तो ठीक, अगर आपको नहीं पता, अगर मोर देन 100 PCs आपके नेटवर्क के ऊपर और आप कुछ स्पेसिफिक जो PCs के ऊपर जो ये क्रिएट करना चाह रहे हो यूज़र्स, तो उसके लिए आप ब्राउज करो, एडवांस पे जाओ और फाइंड कर लो, आपके जितने भी जो वहाँ पे वर्क ग्रुप के अंदर जो PCs होंगे वो आपको सर्च आउट करके यहाँ पे दिखा देगा, PC 1, 2, 3, और देखो बाय डिफ़ॉल्ट 21 डोमेन के अंदर है 1, 2, 3 जो हमने डोमेन जो क्रिएट की है। यस, आप जो इनकी मैनेजमेंट जो आप कंप्यूटर मैनेजमेंट जो PC 1 का उसको गेन करने लगे हो कहाँ पे, सर्वर के ऊपर बैठ के। पॉइंट गेट किया थोड़ा सा कि मैं यहाँ पे एक टास्क मेरे पास यह है, मैं यहाँ पे खुद जाके मैनेज के ऊपर क्लिक करूँ। सपोज़ मेरा सर्वर यहाँ पे पड़ा हुआ है, मेरा PC 1 समवेयर एल्स कैंटीन के बैक वाले रूम में किसी जगह पे पड़ा हुआ है। सो आपको दो ऑप्शन है, या तो आप यहाँ पे बैठ के क्रिएट कर लो, या इटसेल्फ आप जाओ फिजिकली और फिजिकली उस कंप्यूटर के ऊपर बैठ के आप जो यूजर्स जो क्रिएट करो। सो बेटर ऑप्शन कि आप इसी PC के ऊपर बैठो और इस तरह से आप सर्च करो, उसका गेन ले लो, ओके करोगे। अब देखो यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, PC 1। थोड़ा सा व्यू भी करते जाते हैं, मैं यहाँ पे आपको PC 1 के अंदर जो जो चीज़ें हैं बाय डिफ़ॉल्ट वो भी दिखा देता हूँ, ताकि जो हम आपको आइडिया हो कि हमने कोई न्यू चीज़ अगर क्रिएट करनी है। मेरे पास देखो यहाँ पे कितने यूजर्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटर है, Admin 1 है, Ali 2 है और गेस्ट है। मैं कोशिश करूँगा मैं वहाँ पे बैठ के अली को डिलीट करूँगा। आप लोगों के लिए जो टास्क है, आप लोगों ने यूज़र क्रिएट करना है Admin 1 के नाम से। मैं वहाँ पे बैठ के क्या करने लगूँ, Ali 2 को डिलीट करूँगा, मिनिमाइज़ कर देते हैं जिसको, मैं दोबारा इसके ऊपर आ जाता हूँ। मैं यहाँ पे देखो यहाँ पे सिस्टम इंफॉर्मेशन, लोकल यूजर्स एंड ग्रुप्स, यूज़र्स, और मेरे पास देखो यहाँ पे यूज़र्स के अंदर मुझे उसने कोई ऑप्शन जो शो नहीं करवाई। क्यों शो नहीं करवाई, क्योंकि मैंने यहाँ पे इसको ओपन किया होगा। दोबारा से जो इसको एक दफ़ा ट्राई करते हैं, मैनेज PC 1 को कनेक्ट करते हैं, PC 1 हमारा कनेक्ट हो गया। मैं अब एक न्यू यूज़र जो क्रिएट करता हूँ, आपका एक मैं आपको बताता हूँ, मुझे यहाँ पे मैं यूज़र एक क्रिएट करता हूँ। सपोज़ मैं यहाँ पे अली नाम से यूज़र जो मैं क्रिएट कर देता हूँ, इसका पासवर्ड जो मैं 123 क्रिएट करूँगा और 123 यहाँ पे क्रिएट करूँगा। अब देखो एक तो चीज़ जो यहाँ पे आपको क्यों वो यूज़र जो व्यू नहीं आए, देखो यही वर्क ग्रुप का सबसे बड़ा जो डिमेरिट है,
जो एग्जैक्ट वहाँ पे चीज़ थी वो आपको उसने नहीं जो शो करवाई आपको, लेकिन उसने क्या दे दी, एक्सेस दे दी रिमोटली। अब आप यहाँ पे एक न्यू यूज़र क्रिएट करते हो, द फॉलोइंग एरर अकर्ड व्हेन अटेम्प्टिंग टू क्रिएट द यूज़र अर्ली ऑन PC1, एक्सेस डिनाइड। क्यों है इसको जो ट्रबल शूट करते हैं, मैं यहाँ पे सपोज़ यहाँ पे किसी दूसरे PC को अगर यहाँ पे कनेक्ट करता हूँ, PC2, इसको यहाँ पे यूज़र्स शो करवाने चाहिए थे, माइट बी कल जो मैं इन पीसीज के ऊपर बैठ के ना कुछ लोकल पॉलिसीज जो डिफाइन कर रहा था। सेटिंग कंट्रोल पैनल मिस्टर टूल्स देखिए, अगर तो मैं एक दफ़ा अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को रिस्टार्ट करने लगा हूँ, सो डैट जो थोड़ा सा इसके अंदर का कुछ, मैं यहाँ पे अनदर PC करूँगा, PC2, मेरे पास PC2 की मैनेजमेंट मुझे जो गेन हो जाएगी। अब ये गेन क्यों नहीं हो रही वो इसको इंशाल्लाह ताला ट्रबल शूट कर लेंगे। मैं यहाँ पे एक और जो PC है उसको अगर उसकी गेन यहाँ पे लेता हूँ, कनेक्ट टू अनदर PC 3, तो ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टास्क है कि आप जो चीज़ों को जो इस तरह से जो मैनेज करके चल रहे हो। अब आपको पता है कि अगर आपने जो इन सबको मैनेज करना है तो उसके थ्रू जो आप जो इन तीनों को गेन जो वो एक सिंगल जो इसके अंदर ले सकते हो कंप्यूटर मैनेजमेंट के अंदर, वो कैसे लोगे आप, मैं उसकी जो आपको जो कमांड बता देता हूँ। अब जस्ट आपने टाइप क्या करना है, रन के अंदर जाओ, MMC के ऊपर क्लिक करो, ये माइक्रोसॉफ्ट मैनेजमेंट कंसोल होगा, ये बिल्कुल एम्प्टी कंसोल होगा। इसके अंदर आप जो अपने टूल्स और डिस्क मैनेजमेंट के कंप्यूटर मैनेजमेंट के जितने भी जो टूल्स होंगे आप उनको अपनी चॉइस के अकॉर्डिंगली जो एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ पे भी वो एरर देगा, कंफर्म देगा। यहाँ पे आपने क्लिक करना है एड रिमूव स्नैपिन, यहाँ पे क्लिक करो, कंसोल रूट जो आपको देखो ये बोल रहा है कि आपने कंसोल रूट के स्नैपिन के आप एक कमांड किसी और जगह पर रन कर रहे हो, लेकिन आप उसकी स्नैप ले रहे हो, स्नैप लेके आप उसको एज इट इज़ जो किसी और जगह पर डिप्लाई कर रहे हो। ऐड करो यहाँ पे, देखो यहाँ पे आपके पास जो वो एक्टिव डायरेक्टरी, इन चीज़ों को भी हमने नहीं डिस्कस करना, हमने यहाँ पे कंप्यूटर मैनेजमेंट को जो लेना है, क्लियर हो। कंप्यूटर ये आपके पास डिफरेंट जो अवेलेबल टूल्स होंगे, लेकिन इन टूल्स के अंदर देखो आपको जो सारी चीज़ें नहीं अवेलेबल होंगी, लाइक कंट्रोल पैनल आपके पास अवेलेबल नहीं होगा इनके अंदर भी, स्नैपिंग्स के अंदर भी। अभी हमारा जो टॉपिक था हमने सिर्फ इसको कंप्यूटर मैनेजमेंट का टैब जो लेना था हम इसको लेंगे। ये ऑप्शन आएगी आपके पास कि आप इसको ऐड करवाना चाह रहे हो किसके लिए, लोकल कंप्यूटर के लिए या अनदर कंप्यूटर के लिए। ठीक है, मैं भी इसको एक दफ़ा लोकल के लिए कर लेता हूँ। ठीक है जी, मेरे पास देखो लोकल का टैब ऐड हो गया। मैं इसको एक दफ़ा क्या करूँगा, दोबारा से ऐड करवाऊँगा लोकल PC के लिए। लोकल PC मेरा कौन सा वाला होगा, PC1। यहाँ पे भी वो एरर देगा, मैं ऐड नहीं करने देगा आई एम श्योर, क्योंकि जो इशू हमें जो पहले में आया यही उससे लिंक जो टॉपिक है, यहाँ पे भी हमें सेम इशू आएगा। देखो PC1, PC2, PC3, मैं यहाँ पे PC1 को सेलेक्ट करता हूँ, ओके करता हूँ, फिनिश करूँगा, दे दिया यहाँ पे उसने। अब ये थे, मैं कल रात को यही चीज़ जो थे वो प्रैक्टिकल कर रहा था, रात को मुझे ये नहीं था करने दे रहा था, पहले वाली ऑप्शन जो थी वो वहाँ पे उसने जो उसको जो ओपन करने दे रहा था। मैं यहाँ पे ऐड करवाऊँगा किसके लिए, डिस्क मैनेजमेंट फॉर द पर्पज ऑफ अनदर कंप्यूटर, वो मेरा कौन सा वाला होगा, PC2। ज़्यादा एक से ज़्यादा भी कर सकते हो, यही तो आपको बेनिफिट बताया कि आप एक से ज़्यादा पीसीज को अगर उनका जो इस तरह से मैनेज करना चाह रहे हो
तो आप उसका गेन जो इस तरह से ले सकते हो। सेम एरर आ गया। यहाँ पे एक्सेस दे रहा है लेकिन वैसे जो उसको क्रिएट नहीं करने दे रहा। ये कुछ इश्यूज़ हैं जो लाजमी नहीं है कि मेरे साथ ही सिर्फ आए, आप लोगों के साथ भी आ सकते हैं, या सिर्फ आप लोगों के साथ ना आए, मेरे साथ ना आए। ये थोड़ा सा नेटवर्क के अंदर है कि आपको लाइव ट्रबल शूटिंग इस तरह के काम के अंदर अनसर्टन सिचुएशन आपको कोई भी फेस करना पड़ सकती है। मैं यहाँ पे सपोज कंप्यूटर मैनेजमेंट का जो एक और जो पोर्शन लेता हूँ PC2 के लिए, देखो मुझे गेन उसकी मिल गई। ऐड करूँगा दोबारा से लोकल कंप्यूटर एनालाइजर कंप्यूटर के लिए PC3 एनालाइजर कंप्यूटर। मेरा ये इनिशियली सपोज ये मेरी रिक्वायरमेंट थी कि मेरे ये वाले जो टूल्स जो मुझे डिस्क मैनेजमेंट के सारे नेटवर्क के हैं जितने भी जो आप जिन पीसीज को आप रखना चाह रहे थे, आप देखो आप इनको रिमूव भी कर सकते हो। क्लियर हो? किसी आप एक टूल को या आपके पास कस्टमाइज टूल है कि आप इसके अंदर जो नहीं रखना चाह रहे, देखो मैं अगर यहाँ पे इसको मैं ओके करता हूँ, ओके करके मैं बस अब देखो मेरे पास किस फॉर्म के अंदर ये अवेलेबल है। मेरे पास अगर मैं गेन करना चाह रहा हूँ PC1 का जो डिस्क मैनेजमेंट, ये मेरे पास PC1 का है, ये मेरे पास लोकल का है, ये मेरे पास PC1 का है, ये मेरे पास PC2 का है, PC3 का है, PC4 का है। हर एक के अंदर देखो जो सर्विसेज आपको जो मिल रही हैं वो सेम एज इट इज़ जो मिलेंगी। लाइक लोकल यूजर्स आप यहाँ पे भी क्रिएट कर सकते हो। सिस्टम टूल्स यहाँ पे इसके जो लोकल यूजर्स और ग्रुप्स को देखते हैं, यहाँ पे वो नई मैसेज दे रहा है, क्यों नहीं हमें जो दे रहा है इसको ट्रबल शूट करके देखेंगे हम लोग। सिस्टम टूल्स मीन कहने का मतलब कि आप देखो आप यहाँ पे एक सिंगल लोकेशन के ऊपर बैठ के मल्टीपल जो आपके जो है कंप्यूटर मैनेजमेंट जो पीसीज आप उनकी कंप्यूटर मैनेजमेंट जो कर सकते हो। क्लियर हो? MMC क्या चीज़ है? बेसिकली ये डील करेगा आपको कस्टमाइजेशन की तरफ लेके जाएगा, आपको एक टूल प्रोवाइड करेगा कि आप अपनी इज ऑफ मैनेजमेंट के रेफरेंस से जो उनको जो क्रिएट कर सकते हो अपने टूल्स को, मैनेजमेंट मॉनिटरिंग टूल्स को। सर जो हमारे पास ऑप्शन थी रिमोट एक्सेप्ट, देखो मैं इसको सेव नहीं करता, अगर मैं सेव करूँगा तो ये मेरे से एड्रेस पूछेगा कि आपने इसको कहाँ पे सेव करना है। मैं इसको सपोज डेस्कटॉप के ऊपर अगर सेव करूँगा, मैं अगर इसको सेव नहीं करता मीन मेरी कोई चेंजेस जो सेव नहीं होंगी। रन के अंदर जाके लिखूँगा MMC, एंटर प्रेस करूँगा। यहाँ पे देखो आपको वो कंसोल रूट का जो मैसेज वो दे रहा है, यहाँ पे आप फाइल के ऊपर क्लिक करो, एड रिमूव स्नैपिंग यहाँ पे क्लिक करो। अब जो जो टूल्स आपने इस कंसोल रूट के अंदर ऐड करवाने हैं अब उनको ऐड करो। ऐड करते जाओ यहाँ पे डिवाइस मैनेजर इसलिए आपको वो नहीं करने देगा कि फिजिकली डिवाइस मैनेजर फिजिकली आप लोग जो उसको जो एक्सेस करना चाहो तो कर सकते हैं, वैसे इसको करवाना चाहिए। यहाँ पे मैं इसको अनदर PC के लिए जाता हूँ, PC1 के लिए अगर करता हूँ देखता हूँ क्या एरर देता है मुझे या नहीं। क्यों दे रहा है? क्योंकि मेन जो चीज़ के जो फिजिकल डिवाइसेस आप फिजिकल उसको एक्सेस करोगे शायद आप रिमोटली उसको जो एक्सेस ना कर सको। हाँ कंप्यूटर मैनेजमेंट के थ्रू हम जो ट्राई करते हैं कि क्या कंप्यूटर मैनेजमेंट के थ्रू हमें उसको गेन करने की हम उसको गेन कर सकते हैं या नहीं। क्लोज करते हैं, ओके करते हैं। सिस्टम टूल्स डिवाइस मैनेजर, देखो यहाँ पे भी उसने एरर आपको दिया कि जो आप डिवाइसेस की अगर बात करो, डिवाइसेस में इनके फिजिकल एक्सेस, तो फिजिकल एक्सेस जो आपको वहाँ पे जाके इटसेल्फ आपको वो डिवाइसेस के बारे में मॉनिटर या करना पड़ेगा या आपको ट्रबल शूट करना पड़ेगा किसी डिवाइस को, अगर आपने प्लग या अनप्लग करना पड़ेगा तो आप एज इट इज़ करोगे। क्लियर हो? दोबारा से फाइल करता हूँ, एड रिमूव स्नैपिंग, देखो ऑलरेडी हमारे पास PC1 की थी मैनेजमेंट, ऐड करूँगा मैं यहाँ पे कंप्यूटर मैनेजमेंट, ऐड करता हूँ अनदर कंप्यूटर, एडवांस सर्च कर लो, सपोज मैं PC4 को सिलेक्ट करता हूँ, ओके फिनिश। ये मेरे पास देखो इस फॉर्म के अंदर जो दो डिफरेंट जो मैनेजमेंट्स हो या
हमने थोड़ी देर पहले जो फोर डिफरेंट पीसीज की मैनेजमेंट को एक सिंगल कंसोल रूट के अंदर जो ऐड किया था। अब यहाँ पे जो एक प्रॉब्लम थी, अब आप गेन करना चाह रहे हो कंट्रोल पैनल किसका, PC1 का, PC2 का, PC3 का, PC4 का, तो वो आपको ना रानना इसकी कमांड ने दिया, ना आपको कंप्यूटर मैनेजमेंट ने दिया, ना आपको MMC ने वो चीज़ें प्रोवाइड की, क्योंकि ये उनके स्कोप से बियॉन्ड थी, उनके स्कोप के अंदर नहीं थी। उसका फिर जो सलूशन जो हमारे पास आया वो किस फॉर्म के अंदर आया कि हम जो रिमोट डेस्कटॉप जो कैप्चरिंग करेंगे, रिमोट डेस्कटॉप को हम कैसे कैप्चर करेंगे, उसके लिए जो मेरे पास जो ऑप्शन थी क्या चीज़ थी कि आपके माई कंप्यूटर प्रॉपर्टीज़, आपके भी यहाँ पे रिमोट का जो ऑप्शन जो इनेबल होना चाहिए, क्लियर हो। अब यहाँ पे आप सेलेक्ट रिमोट यूजर्स भी कर सकते हो कि बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे जो टर्म जो बोलने लगो कि रिमोट एक्सेस जब भी आप गेन करोगे आप एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स के साथ जो यूज़ करोगे बाय डिफ़ॉल्ट। मीन अगर मैं थोड़ी बहुत चेंजेस करूँ तो मैं किसी यूज़र को भी रिमोट एक्सेस दे सकता हूँ, कैसे वो थोड़ा सा प्रैक्टिकल करेंगे, लेकिन पहले हमारा प्रैक्टिकल होगा एक्सक्लूसिवली एडमिनिस्ट्रेटर्स के साथ। देन हम जो करेंगे, हम जो लिमिटेड राइट्स वाले यूजर्स को क्रिएट करेंगे और उसको जो परमिशन जो देंगे कि वो भी रिमोट एक्सेस जो गेम करें। अब वर्क ग्रुप के अंदर मैंने आपको बताया था कि हर एक पीसी के लिए आपको एक लोकल यूज़र जो रिक्वायर्ड होगा, क्योंकि जब भी आप रिमोट के थ्रू एक्सेस करोगे तो वो आपसे पूछेगा लोकल अकाउंट। देखो मेरे पास यहाँ पे ये मेरे पास सर्वर मशीन थी, या इससे बहुत मेरे पास एक PC1 ये है, PC2 ये है, मैं यहाँ से क्या करता हूँ इसका रिमोट एक्सेस जो गेन करूँगा इस वाले PC का। मीन जब मैं रिमोट एक्सेस गेन करना है, एक चीज़ पहली जो ऑप्शन है कि इसका मुझे रिमोट कनेक्टिविटी जो अनेबल करनी पड़ेगी, माइक्रो कंट्रोलर की प्रॉपर्टीज़ के अंदर जाके मुझे पहले इस PC को, इस PC ने अलाउ करना है कि ठीक है कोई भी जो रिमोट यूज़र है वो उसको रिमोट भी एक्सेस कर सकता है। जब तक आप ये ऑप्शन अनेबल नहीं करोगे तब तक आप जो इस रिमोट यूज़र्स को एक्सेस इसको रिमोट भी एक्सेस नहीं कर सकते। पॉइंट नंबर टू क्या करना पड़ेगा, आपके पास एडमिन राइट्स वाला यूज़र यहाँ पे क्रिएट होना चाहिए इसकी लोकल डेटाबेस के अंदर। क्लियर हो, पॉइंट गेट क्लियर हो रहा था। अब अगर यहाँ से इस PC से बैठ के इसको एक्सेस करने की कोशिश करूँगा, पहली चीज़ के रिमोट मैंने अनेबल कर दिया, मुझे उसने रिमोट की सक्रिय दे दी। सेकेंड ऑप्शन मुझे इससे वो पूछेगा कि इसका भी यूज़र नेम और पासवर्ड आप रखाओ, इसलिए आपको बोला कि PC1 के ऊपर एडमिन 1 क्रिएट कर लो, PC2 के ऊपर एडमिन 2, सो डैट तक हमें आइडिया हो कि PC2 बाई डिफॉल्ट एडमिन 2 है, PC3 का जो यूज़र है वो एडमिन 3 और, सो डैट कि हमारा जो कॉन्सेप्ट के अंदर जो कोई एम्बिग्युइटी क्रिएट ना हो। देखो बाई डिफॉल्ट मैंने सबके ऊपर क्या किया हुआ है, इनेबल किया हुआ है, आपको देना पड़ेगा ना पासवर्ड, देना पड़ेगा सर्वर के ऊपर जो एडमिनिस्ट्रेटर है उसके ऊपर, एक सर्वर के ऊपर भी एक यूज़र क्रिएट कर लो, एडमिन क्रिएट कर लो सर्वर के ऊपर। सर्वर के ऊपर हम यूज़र किस तरह से क्रिएट करेंगे, माई कंप्यूटर मैनेज लोकल यूजर्स एंड ग्रुप्स, यूजर्स के ऊपर देखो डबल क्लिक करो, मैंने यहाँ पे एक यूज़र क्रिएट किया होता एडमिन और एक मैंने ऑर्डिनरी यूज़र क्रिएट किया हुआ उस्मान। मैं यहाँ पे एक न्यू यूज़र क्रिएट करता हूँ, मैं यहाँ पे यूज़र का नाम रखता हूँ, कुछ भी रख दो, सपोज़ MCSE रख देते हैं, मैं इसका पासवर्ड जो 123 रख देता हूँ और इसका पासवर्ड 123 रख देता हूँ। ये वाली पासवर्ड जो ऑप्शंस हैं इनको मैं अभी इसलिए डिस्कस नहीं कर रहा कि इसको हमने सर्वर्स के अंदर डिटेल से डिस्कस करना है। क्रिएट करूँगा, देखो मेरे पास एक यूज़र जो क्रिएट हो गया MCSE, और ये देखो ये मेम्बर किसका है, देखो अभी ये किसी यूज़र का मेम्बर होगा, कैसे इसके ऊपर राइट क्लिक करो, प्रॉपर्टीज़ के ऊपर क्लिक करो, मेम्बर ऑफ, देखो ये मेम्बर किसका है, यूज़र्स का है, एडमिनिस्ट्रेटर का नहीं है। मुझे अगर इसको एडमिनिस्ट्रेटर का अंदर ऐड करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे ऐड के ऊपर क्लिक करो, ऐड करूँगा मैं यहाँ पे फाइंड न्यू करूँगा, ये सारे के सारे यूज़र्स क्रिएट करेगा। अब यहाँ पे जो यूज़र्स हैं इन यूज़र्स को हमने डिटेल से पढ़ना अभी। देखो एक तो बाय डिफ़ॉल्ट यूज़र कौन से वाला है जो आपको यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर जिससे हम जो लॉग इन होते हैं, एक आपके पास देखो बैकअप ऑपरेटर्स है, एक नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर जो डिफरेंट यूज़र्स जो क्रिएट करेगा। मैं अगर नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर हूँ, मैं आप में से किसी बंदे को बोलूँगा कि यार अपने डे एंड पे जो सारे के सारे जो आपका नेटवर्क है उसका बैकअप लेना है, उसके लिए मुझे आपको जो बैकअप ऑपरेटर का जो मेंबर जो बनाना पड़ेगा, इट्स आल्सो लाइक एडमिनिस्ट्रेटर, लेकिन इसके पास कुछ राइट्स नहीं होंगे। डिस्ट्रीब्यूटर काम यूजर्स क्या चीज़ें हैं, गेस्ट हैं, हेल्प डेस्क सर्विसेज हैं, डिफरेंट यूजर्स की टाइप्स हैं। मैं इसको ऐड करवाता हूँ एडमिनिस्ट्रेटर के फॉर्म्स के अंदर, मैं कहता हूँ ये मेंबर होगा हमारे कौन से वाले में, सर्वर के एडमिनिस्ट्रेटर्स में, ओके करता हूँ। अब देखो मैं इसको क्या करता हूँ, यूज़र्स में से रिमूव कर देता हूँ। अब जो मेरे पास ये MCSE जो होगा, ये जो लॉगिन होगा, ये एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स रखेगा, जो मेरे पास
एडमिन या एडमिनिस्ट्रेटर का जो यूज़र जो राइट रखेगा बिल्कुल सेम ये MCSE जो आपके पास सेम राइट है। यस क्लिक करो, यूज़र क्रिएट कर लो। इसको करते मैं आप लोगों को प्रैक्टिस करवाता हूँ सारे के सारे। ओके ओके, मैंने यूज़र्स क्रिएट कर दिया यहाँ पे भी एडमिन। मैंने इसके ऊपर क्या किया, रिमोट डेस्कटॉप भी इनेबल कर दिया। अभी इसके अंदर एक इशू आपको बताना है, वो इशू क्या चीज़ है। मैं यहाँ पे जो इसकी जो कमांड थी शॉर्टकट, यहाँ तो आप क्या करोगे एक्सेसरीज एक्सेसिव कम्युनिकेशन, और ये आपके पास रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन है। दूसरी जो आपके पास इसकी जो शॉर्टकट की थी वो MSTSC, ये भी आप रन करोगे तो आपके पास बिल्कुल सेम जो यूटिलिटी जो ओपन होगी। देखो यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो ये मेरे पास एक कोर टैब ओपन हो गया, एक मेरे पास ये है एक मेरे पास ये है। यहाँ पे ये भी चीज़ें कुछ देखते जाना कि एक वक्त में हम मैक्सिमम कितने यूजर्स को जो गेन कर सकते हैं, ये भी हमने जो लैब परफॉर्म करनी है। मैंने लास्ट में आपको बोला था कि बाय डिफॉल्ट ओनली 2 जो यूज़र्स आप जो कनेक्ट कर सकते हो रिमोटली, वो भी हम कैसे करेंगे वो भी हम जो चेक करेंगे। ये जो चीज़ और जो हमने परफॉर्म करनी है, जब आप रिमोट डेस्कटॉप की तरफ आओगे, रिमोट कनेक्टिविटी की तरफ आओगे, लास्ट टाइम मैंने बोला था कि एक आपके पास कंसोल कनेक्टिविटी होगी और एक मैंने आपको बोला था डिफॉल्ट या एज इट इज रिमोट कनेक्टिविटी होगी। कंसोल कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट करेगा, सिर्फ HP सपोर्ट करेगा। जब आप सर्वर की तरफ आओगे वो क्या करेगा, रिमोट में आएगा। जब रिमोट में आओगे वो उसके अंदर फंक्शनैलिटी आप परफॉर्म कर सकते हो रिमोट की भी प्लस कंसोल की भी। और इनका डिफरेंस आपको बताया था, कंसोल के अंदर क्या करोगे, अगर आप विंडोज़ XP को रिमोटली एक्सेस करोगे तो विंडोज़ XP क्या हो जाएगी, उस वक्त ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगी। कल हमने वो चेक भी किया था। आज एक दफ़ा फिर से जो लैब परफॉर्म करेंगे कि हम जब इसको सर्वर के ऊपर बैठ के XP को गेन करेंगे तो हमारा XP वाला जो स्क्रीन होगी एक्चुअल जो विंडोज़ जहाँ पे हमारा चल रहा है PC वहाँ पे उसको लॉक का मैसेज आ जाएगा। जब हम इसको एक्सेस करेंगे विंडोज़ XP के ऊपर बैठ के विंडोज़ सर्वर को एक्सेस करेंगे तब हमारे पास ऑप्शन होगी कि हम कंसोल लॉग इन भी बना सकते हैं, कंसोल सेशन भी बना सकते हैं, हम रिमोट सेशन भी बना सकते हैं। रिमोट में क्या होगा, हमारा सर्वर जैसे कहीं वो लॉक नहीं होगी, लेकिन अगर हम बताएंगे कि स्पेसिफिकली कंसोल बनाओ तो हमारा सर्वर वाला जो ट्रेडिंग सिस्टम है वो भी लॉक हो जाएगा। क्यों आप सर्वर को लॉक करोगे, सपोज़ आप चाह रहे हो कुछ इस तरह से एक्टिविटीज परफॉर्म करना चाह रहे हो कि आप चाह रहे हो कि उस वक्त कोई और एडमिनिस्ट्रेटर कोई और टास्क परफॉर्म ना कर सके, आप क्या करते हो उसको फिजिकली जो फिजिकल जो PC होगा आपका एडमिन के अंदर उसको आप लॉक कर देते हो। क्लियर हो गए मेरे दो चीज़, इनको भी डिस्कस करेंगे। और ये भी हमने जो डिस्कस करना है कि मैक्सिमम जो 2 यूज़र जो आपके पास जो होंगे, ये भी हम जो कैसे जो इनको जो बढ़ाएंगे यूज़र्स की जो तादाद वो भी हम जो करके देखेंगे। मैं क्या करता हूँ, कनेक्ट करता हूँ, देखो 192.168.1.10 ये किसका आईपी एड्रेस है, मेरे पास सर्वर का आईपी एड्रेस है। मैं यहाँ पे कनेक्ट करूँगा, मेरे से वो पूछेगा कि कौन सा यूज़र। मैं यहाँ पे अगर बाय डिफ़ॉल्ट एडमिनिस्ट्रेटर टाइप करूँगा, ट्राई करता हूँ। मैंने यहाँ पे पासवर्ड्स क्रिएट कर दिए हैं, देखो मुझे उसने एडमिनिस्ट्रेटर के साथ भी एक्सेस दे दी। मेरे पास एडमिनिस्ट्रेटर राइट्स का जो वो लॉगिन जो होना ज़रूरी है। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज़ और साथ साथ ये चीज़ें इसलिए थोड़ा सा ये एक थोड़ा सा ओपन टॉपिक है, जब आपने इसको टर्मिनेट करना है रिमोट को जब आपने एंड करना है तो इसके पास में आपके पास दो ऑप्शन है। एक आपके पास है एंड की ऑप्शन होगी कि आप कनेक्शन को जो हो क्या करते हो कट ऑफ करते हो, एक आपके पास ऑप्शन होगी डिसकनेक्ट। दोनों में डिफरेंस क्या है ये भी जो चीज़ आप जो देखेंगे, एंड के अंदर आपका सेशन टर्मिनेट नहीं होगा, इसके अंदर आपका सेशन जो हो टर्मिनेट हो जाएगा। ये थोड़ा सा हमने चीज़ जो देखनी है कि अगर आप रिमोटली किसी मशीन को अगर आपने उसका गेन दिया हुआ है, आप वहाँ पे वर्क कर रहे हो, आपने वहाँ पे बहुत ज़्यादा हैवी एप्लीकेशन ओपन की है, अगर आप उस सेशन को एंड करोगे तो आपकी वो एप्लीकेशन एज इट इज ओपन फॉर्म के अंदर रहेगी। जब आप अगर आओगे डिस्कनेक्टिव फॉर्म के अंदर या फिर रिसोर्सेज जो स्टिल एज इट इज कंज्यूम रहेंगे, हम सेशन को एंड करेंगे, एंड करके दोबारा से कनेक्ट करेंगे, आपको वही एप्लीकेशन ओपन फॉर्म के अंदर। जब यहाँ पे हम आओगे डिस्कनेक्टिव फॉर्म के अंदर यहाँ पे आपको सेशन को ब्रेक करते हैं। पहले आते हैं अपने इस तरफ, हमारा जो ऑप्शन है कि हमने रिमोट के अंदर चेक करना है रिमोट कनेक्शन, जब हम बिल्डअप करेंगे हमारा वो कंसोल सेशन होगा या हमारा वो रिमोट सेशन होगा। इसके हमने अभी जो एक इसकी वेरिफिकेशन करते हैं, फिर हम जो मूव करेंगे अपने बूस्ट वाले पोर्शन की तरफ, फिर हम आ जाएंगे अपने जो यूज़र जो इनको जो इनकी क्वांटिटी को जो इंक्रीज़ करना है।
मैं यहाँ पे देखो एक हमने MCSE लॉगिन भी जो क्या किया था वो क्रिएट किया था। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, शट डाउन करता हूँ। मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंस बताता हूँ। देखो मेरे पास यहाँ पे एक ऑप्शन, पहले ही हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल नहीं थी डिसकनेक्ट की। अगर मैं लॉग ऑफ करूँगा मेरा सेशन क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। मैं अगर डिसकनेक्ट करूँगा, डिसकनेक्ट में सॉरी मैं थोड़ा सा उल्ट कर गया कि डिसकनेक्ट के अंदर वो क्या करेगा, आपके सेशन को अलाइव रखेगा। ये थोड़ा सा ना मैं उल्ट कर गया, डिसकनेक्ट एंड करोगे तो आपका सेशन जो है टर्मिनेट होगा, डिसकनेक्ट करोगे तो आपका सेशन जो है टर्मिनेट नहीं होगा। मैं लॉग ऑफ करता हूँ, मैंने एक यूज़र क्रिएट किया था MCSE, मैं चेक करूँगा क्या मैं उसके थ्रू इसको एक्सेस कर सकता हूँ। मैंने दोबारा से इसको कनेक्ट करता हूँ, मैंने यूज़र जो क्या देना है MCSE यूज़र देना है और पासवर्ड था मेरे पास 123। लॉग इन करूँगा, देखो एडमिन राइट से मेरा लॉग इन उसने कर दिया। अब मैं ट्राई करूँगा आपको ऑप्शन जो दोबारा से ये वेरीफिकेशन हम करेंगे हम एक ऑर्डिनरी यूज़र्स के साथ, जो एक ऑर्डिनरी यूज़र मैंने क्रिएट किया हो। अब मैं उसके साथ लॉगिन होने की कोशिश करूँगा और देखूँगा क्या हमारे पास वो ऑप्शन अनेबल है या नहीं। देखो एक तो मैंने यहाँ पे क्लिक करने लगूँ, यहाँ पे क्लिक करने का मतलब क्या, दिस विल डिसकनेक्ट योर विंडो सेशन, दिस प्रोग्राम विल कंटिन्यू टू रन वाइल यू आर डिसकनेक्ट। मैसेज देख लिया आपने कि जब आप डिसकनेक्ट करोगे तो आपके पास जो एप्लीकेशन जो आपने ओपन की हुई है वो एज इट इज़ ओपन की हुई है। कैसे, इसका भी प्रैक्टिकल करते हैं। मैं MCSE से लॉगिन हूँ इस वक्त, मैं MCSE के अंदर कुछ चीज़ें जो ओपन कर देता हूँ। मैं कंट्रोल पैनल ओपन कर देता हूँ इसके अंदर, मैं एक विजर्ड मैंने रन किया यहाँ पे, मैं यहाँ पे कुछ एप्लीकेशन इसके अंदर रन कर देता हूँ। मैं कमांड प्रॉम्प्ट चला देता हूँ इसके अंदर, मैं इसके अंदर नोटपैड भी ओपन कर देता हूँ। मैंने 3 से 4 एप्लीकेशन किसके अंदर ओपन कर दी, अपने MCSE लॉगिन के अंदर। मैं इसको डिसकनेक्ट करता हूँ, ओके जी डिसकनेक्ट। मैं यहाँ से दोबारा से कनेक्ट करूँगा, अब मैं यूज़र क्रिएट करूँगा किस वाले के साथ, मैं यहाँ पे कोशिश करूँगा अब मेरा यूज़र MCSE ना हो, मेरा यूज़र उस्मान हो। अब देखो मैंने मैसेज उसको लॉगिन करने की कोशिश की है तो मुझे मैसेज क्या आया, टू लॉग इन दिस कंप्यूटर यू मस्ट बी ग्रांटेड द अलाउ लॉग ऑन थ्रू टर्मिनल सर्विसेज राइट। एक चीज़ जो आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि माइक्रोसॉफ्ट आपको साथ इसका रेमेडी भी बताता जा रही है कि कैसे कैसे आप इसको करना चाह रहे हो। उस्मान मेरा एक ऑर्डिनरी यूज़र था, ये एडमिन राइट्स वाला यूज़र नहीं था। जब मैंने उसके थ्रू इसको लॉगिन करने की कोशिश की, उसने मैसेज दिया कि आपको राइट्स जो ग्रांट करने पड़ेंगे कहाँ पे, टर्मिनल सर्विसेज के थ्रू। सो ये एक पॉइंट नोट रख लीजिएगा कि हमने टर्मिनल सर्विसेज के थ्रू उस्मान को राइट्स जो अलाउ करवाने हैं कि वो भी रिमोट एक्सेस जो गेन कर ले। क्लियर हो गया ये वाला पॉइंट कि यहाँ पे जब भी आपने लॉगिन करना है बाय डिफ़ॉल्ट वो आपको ऑप्शन अवेलेबल देगा रिमोट एक्सेस की ओनली एडमिनिस्ट्रेटर्स को। रिमोट यूज़र्स जो होंगे वो आपके सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटर्स होंगे। एक तो हमारा ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया। अब मैं दोबारा से लॉगिन करूँगा, हमारा जो दूसरा पार्ट था कि हमने डिसकनेक्ट और एंड के अंदर जो डिफरेंस देखना है। MCSE को हमने लॉगिन किया 123 और देखो जब मैं ये लॉगिन करूँगा 123 लॉगिन क्यों करते हैं, देखो मेरे पास जो एप्लीकेशन मैंने ओपन की थी वो मेरे पास एज इट इज़ फॉर्म के अंदर मुझे ओपन मिल रही है। डिफरेंस क्लियर हुआ थोड़ा सा ये वाला, ओके। अब मैं इसको क्या करता हूँ, अब अगर मैं इसको लॉग ऑफ करूँगा, लॉग ऑफ करूँगा मीन मेरे पास जो मैं इसको जो क्या कर रहा हूँ, सेशन को एंड कर रहा हूँ। अब अगर मैं दोबारा से गेन करूँगा थ्रू MCSE, अब मुझे जो ऑप्शन जो अवेलेबल नहीं होगी, मेरी सारी की सारी एप्लीकेशन जो वो क्लोज हो चुकी होगी। 123 लॉगिन करूँगा, मेरी सारी की सारी जो ऑप्शन थी वो डिसेबल हो गई है। क्लियर हो गया हमारा बोले पोर्शन, एंड और डिसकनेक्ट। और मेरे पास अभी मेरा ये वाला कंसोल वाला भी हम जो ट्राई करते हैं। अब मैं किसके ऊपर बैठा हुआ था, बाय डिफॉल्ट XP के ऊपर बैठा हुआ था। मैं किसको गेन कर रहा था, सर्वर को। सर्वर के अंदर ऑप्शन अवेलेबल है कंसोल की भी, सर्वर के अंदर ऑप्शन अवेलेबल है रिमोट की भी। अभी हमने XP के ऊपर बैठे हुए थे, मैं यहाँ पे सेशन को जो लॉग ऑफ कर देता हूँ। अब मैं इसके ऊपर आता हूँ, इस विंडोज़ मशीन के ऊपर आता हूँ, मैं यहाँ पे गेन करूँगा सर्वर के ऊपर बैठ के MSTSC/console करूँगा। अब मेरा जो सेशन बनेगा वो क्या होगा, मेरा अब मैं अगर किसी PC को कनेक्ट करूँगा तो मेरा क्या हो जाएगा, एक तो मैं ये कनेक्ट करूँगा, देखो ऑटोमेटिकली मेरा जो PC 1 है अब वो लॉक नहीं हुआ। क्यों, मेरे पास यहाँ पे जो ऑप्शन जो अवेलेबल है कि मैं यहाँ पे कंसोल भी बना सकता हूँ। मैं अभी यहाँ पे ये लॉक होगा, PC 1 हमारा लॉक होगा। मैंने यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट कौन सा वाला यूज़र क्रिएट किया हुआ है, एडमिन 1, जो मैंने बोला था कि आप एडमिन 1 यूज़ कर लो PC 1 के ऊपर।
ताकि आप जो आपको वो एक्सेस दे। अब देखो यहाँ पे जो उसने मैसेज दिया, PC1 एडमिनिस्ट्रेटर इज करंटली लॉग ऑन, कि यहाँ पे वो कह रहा है कि एडमिनिस्ट्रेटर लॉग इन है, जबकि मैं लॉग इन किस से हो रहा हूँ, एडमिन 1 से। अब वो क्या करेगा, उसको वहाँ से लॉग ऑफ करेगा, एडमिनिस्ट्रेटर से लॉग इन करेगा मेरा एडमिन 1, एडमिन 1 को वो क्या करेगा, लॉग करेगा। तीन स्टेजेस हैं। देखो बाय डिफॉल्ट मेरे पास स्क्रीन इसकी किस तरह से, ये वाली है। जब मैं यहाँ पे आऊँगा उसको मैं अगर येस करता हूँ, PC1 को उसने लॉग ऑफ कर दिया, यहाँ पे उसने मुझे एक्सेस दे दी, वहाँ पे उसने क्या किया, PC1 को लॉक कर दिया। पॉइंट गेट किया थोड़ा सा। तीन स्टेजेस हैं यहाँ पे। जो पहले एडमिनिस्ट्रेटर से उसने लॉग ऑफ किया, जो एक्चुअल जो आपका जो PC था, जहाँ पे हमने रिमोट एक्सेस गेन करने की कोशिश की, वहाँ पे उसने क्या किया, उसको ये चीज़ जो ऑप्शन जो इनेबल कर दी गई, वहाँ पे उसने हमें लॉग इन करके दे दिया। और यहाँ पे स्क्रीन व्यू थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पे देखो मेरे पास माई कंप्यूटर भी इस फॉर्म के अंदर है, यहाँ पे थोड़ा सा डिस्प्ले। अब मैं यहाँ पे अगर लॉग इन करूँगा, वहाँ पे क्या करेगा, मुझे रिमोटली क्या कर देगा, मैसेज आ गया, रिमोट डेस्कटॉप डिसकनेक्टेड, द रिमोट सेशन वॉज डिसकनेक्टेड बाई अनदर यूजर। पॉइंट थोड़ा सा क्लियर हुआ। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक कंसोल वाला प्रैक्टिकल यहाँ पे करके देखते हैं। मैं यहाँ पे गेन करूँगा किसको, हमारा जो वाला जो सेशन है सर्वर का, और कंसोल वाला सेशन है। कंसोल में हम चाह रहे हैं कि हमारा ये सेशन जो लॉक हो जाए, हमारी स्क्रीन लॉक हो जाए हमारे सर्वर की। यही एक प्रैक्टिकल है ना, कि वैसे अगर मैंने इसको लॉग इन किया था, सपोज़ मैं लॉग ऑफ करके एडमिनिस्ट्रेटर से लॉग इन होता हूँ, ये थोड़ा सा स्विचिंग आपको बार बार करनी पड़ेगी। रियल के अंदर करोगे तो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा ये टास्क आपका। देखो अब मेरे पास एडमिनिस्ट्रेटर के अंदर जब मैंने लॉग इन किया था, मेरे पास आइकन्स जो थे मैंने उनको डेस्कटॉप के ऊपर लेके आया हुआ था। मैं यहाँ पे दोबारा से गेन करता हूँ स्लैश कंसोल के साथ। खैर जो अभी जो ना इसको वो कनेक्ट दे नहीं रहा। ये सेशन मुझे बिल्डअप करना पड़ेगा, ये सिर्फ यहाँ पे ऑप्शन देगा मुझे। अगर मैं एक सर्वर से दूसरे सर्वर को एक्सेस करूँगा, ये ऑप्शन मेरी यूज़ होगी तब। देख रहे हो कि सिर्फ सर्वर के अंदर ऑप्शन अवेलेबल है। देखो मैंने यहाँ पे एक कमांड एग्जीक्यूट करने की कोशिश की है, तो उसने मुझे वो कमांड एग्जीक्यूट नहीं करने दी। देखो मैं यहाँ पे अगर कमांड कंसोल वाली अगर मैंने रन करने की कोशिश की है स्लैश कंसोल, तो उसने वो मुझे वो कमांड एग्जीक्यूट नहीं करने दी। जब यही कमांड अगर मैं रन करूँगा यहाँ पे अपने सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर MCSE/console, देखो यहाँ पे कमांड वो एग्जीक्यूट कर रहे हैं। मीन एक चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए कि XP सिर्फ बनाती ही कंसोल सेशन है, लेकिन अगर मुझे एक सर्वर से किसी दूसरे सर्वर को एक्सेस करना है, तो मैं चाह रहा हूँ कि मेरी बोली जो सर्वर जो मशीन जो लॉक हो जाए, तो उसके लिए भी मुझे जो कंसोल सेशन जो यूज़ करना पड़ेगा। क्लियर हो गया यहाँ तक। अभी हमारे पास जो नेक्स्ट पोर्शन है कि हम देखेंगे कि हम मैक्सिमम कितने यूज़र्स को जो क्रिएट कर सकते हैं। मैंने बोला बाय डिफ़ॉल्ट आप कितने यूज़र्स को क्रिएट कर सकते हो, सिर्फ 2 कनेक्शंस को जो हम कर सकते हैं। वो कैसे, वो हम जो उसको हम एक दफ़ा यार व्यू भी करके देख लेंगे, प्रैक्टिकल करके देख लेंगे कि 2 से ज़्यादा यूज़र्स को हम क्रिएट कर कनेक्ट कर भी सकते हैं या नहीं। रन करते हैं MCSE PC1 का गेन करते हैं। एडमिन 1 1 2 3, मेरा एक तो ये वाला ऑप्शन इनेबल होगी। मैं यहाँ पे एक और क्या करता हूँ, इसको मिनिमाइज करता हूँ, एक और यूज़र के ऊपर जो गेन करूँगा मैं यहाँ पे .2 के ऊपर भी जो रिमोट एक्सेस जो गेन करता हूँ, .2 भी मेरे पास आ गया। मैं इसको भी एडमिन 2 और 1 2 3 ये भी लॉग ऑफ हो जाए, चेक करते हैं कि तीसरा यूज़र हमारा कनेक्ट होगा या नहीं। तीसरा यूज़र अगर कनेक्ट होता है हमारी जो कॉन्सेप्ट गलत है, अगर नहीं कनेक्ट होता हमारा कॉन्सेप्ट ठीक है, फिर उसको हम कैसे चेक करेंगे, .3 को कनेक्ट करेंगे, एडमिन 3 1 2 3। अब ये इसने क्यों करवा दिया बोला, हमने एडमिन पैक कल इंस्टॉल किया था, एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स का कंप्लीट पैक हमने जो इंस्टॉल किया था। कैसे, रन में हमने जाके क्या कमांड दी थी, एडमिन पैक .msi ये कमांड दी थी, हमारे सारे के सारे जो थे वो टूल्स जो थे इंस्टॉल हो गए थे। और इन टूल्स के अंदर मैंने आपको जो टूल बताना था, इसी टूल की वजह से हमें जो
वो हमें ऑप्शन भी जो प्रोवाइड कर रहा है। देखो मैं कैसे इसको हम जो वेरीफाई करेंगे कि हम मैक्सिमम कितने यूज़र्स को जो गेन कर सकते हैं, सेटिंग, कंट्रोल पैनल, एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स, और यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन थी, देखो दो ऑप्शन हैं। अब हमने रिमोट डेस्कटॉप को मैनेज करना है, मेरे पास दो ऑप्शन हैं, एक है टर्मिनल सर्विसेज कॉन्फ़िगरेशन, और एक मैंने आपको बोला था अगर आपने मॉनिटर करना है सेशंस को तो उसके लिए आप क्या ऑप्शन क्लिक करोगे, मॉनिटर की। यहाँ पे आपको दोनों ऑप्शन अवेलेबल हैं, आप जाओ इसके अंदर टर्मिनल सर्विसेज कॉन्फ़िगरेशन, हम वेरीफाई करेंगे कितने यूज़र्स हम जो क्रिएट कर कनेक्ट कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट देखो यार यहाँ पे आपको एक प्रोटोकॉल मिल रहा है, RDCP रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल। अब जितने भी जो रिमोट डेस्कटॉप की जो कैप्चरिंग कर रहे हो वो आप किस प्रोटोकॉल के थ्रू कर रहे हो, RDP, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट साथ कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ कर रहा है, TCP। मैं इसकी राइट क्लिक करूँगा, इसकी प्रॉपर्टीज़ देखो मैं गया कहाँ पे, दोबारा से जाता हूँ, स्टार्ट, सेटिंग, कंट्रोल पैनल और एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स। बाय डिफ़ॉल्ट रिकॉर्डिंग तो हो रही है, आपको ऑप्शन तो अवेलेबल होंगी, लेकिन अगर आपने रिटर्न फॉर्म के अंदर भी लिखना है तो उसके लिए आपको ऑप्शन बता रहा हूँ। अगर मैंने नंबर ऑफ़ कनेक्शन इंक्रीज़ करने हैं रिमोट कनेक्शंस तो मुझे जाना पड़ेगा टर्मिनल सर्विसेज कॉन्फ़िगरेशंस के अंदर। अगर मैंने सेशंस को कैप्चर करना है तो उसके लिए मुझे जाना पड़ेगा टर्मिनल सर्विसेज मैनेजर। वन बाय वन जाते हैं टर्मिनल सर्विसेज कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, या फिर मेरे पास है RDCP प्रोटोकॉल है, इसकी प्रॉपर्टीज़ के अंदर जाएंगे। देखो यहाँ पे मेरे पास एक ऑप्शन अवेलेबल है सेशन की या नेटवर्क अडॉप्टर्स की। नेटवर्क अडॉप्टर के अंदर आए तो मेरे पास मैक्सिमम कनेक्शंस कितने हैं, 2। अब यहाँ पे ये क्यों उसने मुझे वो नंबर ऑफ ज्यादा जो हमने थर्ड वाले यूज़र को भी कनेक्ट किया उसने कनेक्ट कर दिया, क्यों, क्योंकि हमने एडमिन पैक जो इंस्टॉल किया हुआ था। मैं यहाँ पे ओके करूँगा, ओके किया, मैं यहाँ पे चारों के मेरे जो सेशन हैं वो क्या हो जाए, नेटवर्क अडॉप्टर जो मेरे पास 10 हो जाए। अप्लाई करूँगा, क्लोज करूँगा, अब जो मेरे पास कितने सेशन हो जाएंगे, अब मैं 10 यूज़र्स जो रिमोटली जो एक्सेस करवा सकता हूँ। पॉइंट गेट किया थोड़ा सा, लेकिन उसके लिए क्या होना ज़रूरी है, आपके पास एडमिन पैक जो इंस्टॉल होना ज़रूरी है। उसको हमने कैसे इंस्टॉल किया था, रन करो admin pack.msi, ये विंडोज 2003 के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट ये फाइल अवेलेबल आपको पड़ी होगी। नेक्स्ट करो, देखो मैसेज क्या दे रहा है, अनइंस्टॉल या रीइंस्टॉल, इस वजह से वो नंबर ऑफ सेशन जो था वो इंक्रीज़ कर रहा था। अगर मेरे ये एडमिन पैक इंस्टॉल ना हुआ होता तो हमारे पास ये ऑप्शन जो वो इनेबल ना होती। एनी हो, कोई बात नहीं, हमारे पास देखो मैंने आपको ये भी क्या बोला था, हम इनको इंस्टॉल कर सकते हैं किसके ऊपर, अपने क्लाइंट्स के ऊपर भी। मैं जा रहा हूँ मेरे क्लाइंट्स, ये वाला PC है एडमिन पार्क एडमिन वन, मैं यहाँ पे बैठ के करना चाह रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि ये वाला जो मेरा यूज़र एडमिनिस्ट्रेटर PC 1 के ऊपर मैं बैठूँ, मैं यहाँ पे बैठ के रिमोट एडमिनिस्ट्रेशन करूँ अपने सारे के सारे PCs की। मैं इस PC के ऊपर admin pack.msi जो इंस्टॉल करने की कोशिश करूँगा। उसके लिए मुझे क्या बोला था, मैंने आपको बोला था कि आपके पास विंडोज 2003 की CD होनी चाहिए, क्लियर हो। वो CD मैं जो इंसर्ट करता हूँ इसके अंदर फाइल जो इसके अंदर इंस्टॉल करने की कोशिश कर रहा हूँ। या किसी के पास USB में विंडोज 2003 सर्वर का iOS ये मैं i386 का फोल्डर जो कॉपी कर लूँगा, इसी के अंदर मुझे वो फाइल मिलेगी एडमिन पैक, क्लियर हो, मिल गई वाली फाइल। मैं सिर्फ क्या करूँगा, इस फोल्डर को कॉपी करूँगा और इसको USB में लेके जाऊँगा। यार एक चीज़ और बता दूँ, VMware का एक और प्लस पॉइंट ये है कि आप इसको फिजिकली भी, जो आप जो ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 2003 सर्वर रन कर रहे हो, आप इसका जो फिजिकली भी जो अटैच कर सकते हो अपने लाइव नेटवर्क के अंदर भी, कैसे वो भी आपको मेथड जो बता दूंगा।
ये देख रहे हो इस वक्त पी, जो पी वन से भी बुरा हाल हुआ है इसका। इस तरह के इश्यूज आएंगे। देखो अभी मैं यहाँ पे यूएसबी लगा रहा हूँ, कनेक्ट नहीं हो रही। क्यों नहीं कनेक्ट हो रही? कि वो वीएमवेयर के अंदर आपको यहाँ पे मिल रही होगी। ये देख रहे हो रिमूवर डिवाइस जो मेरी यहाँ पे शो इन स्टेटस बार, मैं इसको क्या करता हूँ, डिसकनेक्ट करता हूँ। मैं यहाँ पे इसको रखने नहीं चाह रहा। अब मैं यहाँ पे अगर करूँगा, अब वो मेरे पास यहाँ पे जो अवेलेबल होगी। या मुझे किसी और यूएसबी में वो फोल्डर कॉपी कर दो, i386 कॉपी कर दो यार, ताकि हम अपनी लैब को आगे कंटिन्यू करें यार। ये लो अपने फोल्डर, अगर आपने रन नहीं ना किया हुआ तो मुझे i386 का फाइल जो कॉपी कर दो जैसे उसमें। आप लोगों को दिए है ना मैंने विंडोज सर्वर, उसमें सिर्फ i386 का फोल्डर मुझे कॉपी कर दो बस। आते हैं जी लैब की तरफ। यहाँ पे हम क्या करना था, हमने एडमिन पैक यहाँ पे इंस्टॉल करना था, और यहाँ पे हमने देखना है पीसी वन के ऊपर गेन करने की कोशिश करते हैं डिफरेंट जो रिमोट डेस्कटॉप्स। डार्ट 10 को कनेक्ट करता हूँ। मुझे गेन मिल गया 1, 2, 3। मिनिमाइज करता हूँ क्या आपने भी ओपन किया हो? ठीक है, फिर इसको डिस्कस कर लेते हैं। मैं आपको यहाँ पे वो बता देता हूँ। दोबारा से क्लिक करता हूँ, डार्ट 2 को मैं कनेक्ट करता हूँ। देखो मुझे डार्ट 2 का भी यहाँ पे उसने गेन दे दिया है। एडमन 2, 1, 2, 3। थर्ड वाला गेन करता हूँ। थर्ड वाला क्या मुझे एक्सेस देता है गेन करने की या नहीं? बाय डिफॉल्ट वो एडमिन पैक मैंने इंस्टॉल कर दिया, उस वजह से वो क्या कर रहा है, एक्सेस देता जा रहा है। ओके जी, हम यहाँ पे लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। अपने एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स के अंदर जाते हैं। अब हम चाह रहे हैं कि हमारे पास जो यूज़र हो, पहले तो देखो एक जो चीज़ हमने डिस्कस की कि हमारा जो यूज़र था वो एडमिन राइट्स के साथ होना चाहिए था। अगर एडमिन राइट वाला यूज़र नहीं था तो उसको उसने एक्सेस नहीं दी थी। अब हम चाह रहे हैं कि हमारे जो आम जो यूज़र हैं उनको भी जो एक्सेस मिले, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, दोबारा से उसी ऑप्शन के ऊपर जाना पड़ेगा। टर्मिनल सर्विसेज कन्फिगेशन के अंदर जाके पहले हमने क्या किया था, RDCP की प्रॉपर्टीज़, नेटवर्क अडाप्टर के ऊपर हमने जो यहाँ पे नंबर ऑफ कनेक्शन जो थे वो इंक्रीज़ किए थे। यहाँ पे है परमिशन, परमिशन में मुझे क्या करना पड़ेगा, उस यूज़र को ऐड करवाना पड़ेगा। ऐड मैंने किसको करवाना है, उस्मान के यूज़र को ऐड करवाना, और वेरीफाई करवाना है क्या वो गेन कर सकता है या नहीं। ओके जी, एक है उस्मान यूज़र है, मैं इसको क्या करता हूँ, ऐड करवाता हूँ, ओके करवाता हूँ। अब देखो मैं इसको क्या करता हूँ, इसको मैं एक्सेस मैंने क्या करवाई है, एज अ गेस्ट एक्सेस जो मैंने अलो करवाई है। मैं चाह रहा हूँ कि इसको मैं अलो करूँ फुल एक्सेस। अब मैं अगर अप्लाई करूँगा, ओके करूँगा, अब मैंने क्या किया कि अपने इस रिमोट डेस्कटॉप को जो मैंने बोला मैं अभी आपसे दोबारा से कनेक्ट करूँगा सर्वर वाली मशीन को, अब मैं यूज़र किससे लॉग इन होऊंगा, जो मेरे पास ऑर्डिनरी यूज़र है उस्मान। पहले यहाँ पे उसने हमको एक्सेस नहीं थी दी, लेकिन अब देखो उसने क्या दिया, हम उसको उसने हमने एक्सेस दे दी है। कैसे किया हमने,
दोबारा से एक दफ़ा ट्राई कर लो, बताता हूँ आपको कैसे। स्टार्ट सेटिंग कंट्रोल पैनल एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स टर्मिनल सर्विसेज कॉन्फ़िगरेशन या पे आरडीसीपी की प्रॉपर्टीज़। पहले हमने नेटवर्क अडाप्टर के ऊपर क्लिक किया था, अब हमने परमिशन के ऊपर जो क्लिक करना है और हमने ऐड करवाना है जो स्पेसिफिक यूज़र है जिसको आप जो एक्सेस जो गेन करवाना चाह रहे हो। ओके ओके, ये वाली चीज़ भी छोटा सा टॉपिक रह गया। अब एक क्वेश्चन पूछोगे, जब आप रिमोट एक्सेस करते हो क्या आप डाटा को कॉपी कर सकते हो दूसरे पीसी के? बाय डिफ़ॉल्ट जो ऑप्शन होगी वो बहुत डिफ़िकल्ट टास्क होगा, लेकिन हम उसको कैसे कर सकते हैं कॉपी पेस्ट उसकी भी ऑप्शन जो देखते हैं। ये भी यूजुअली क्या होता है कि जब आप अपने किसी फ्रेंड के पीसी को रिमोटली एक्सेस करो, आप कोशिश करते हो उसका सारे का सारा डाटा कॉपी करो, या अगर आप रिमोटली डाटा शेयर करना चाह रहे हो तो उसके लिए आपके पास जो ऑप्शन है क्या ऑप्शन है वो भी थोड़ा सा एक चीज़ देखो। रिमोट रन करोगे, देखो मैं इस वाले को इस वाले पीसी के ऊपर बैठता हूँ, रन करता हूँ MCSTC और यहाँ पे मैं ऑप्शन के अंदर जाता हूँ। ऑप्शन के अंदर जब आप जाओगे तो यहाँ पे आपके पास होगा लोकल रिसोर्सेज। लोकल रिसोर्सेज के ऊपर आप क्लिक कर दोगे डिस्क ड्राइव, इससे क्या होगा देखो आपकी जो लोकल रिसोर्सेज होंगे ये आपके रिमोट जो यूज़र होगा उसमें एज अ शेयर्ड ड्राइव के तौर पे वो नजर आ जाएंगे। वैसे अगर आप करोगे तो आपको जो वो रीड ओनली के फॉर्म के अंदर वो कनेक्टिविटी करवाएगा, लेकिन अगर आप इस फॉर्म के अंदर आओगे तो आपकी जो ड्राइव्स होंगी वो लोकल ड्राइव्स वहाँ पे शेयर्ड फोल्डर के नाम पे नजर आ जाएंगी। एक ड्राइव से डाटा आप कॉपी कर सकते हो दूसरी ड्राइव के अंदर कैसे? ये जर्नल है, ये चीज से ऑप्शन के ऊपर क्लिक किया रिसोर्सेज के ऊपर और यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया डिस्क ड्राइव्स के ऊपर। अब मैं कनेक्ट करूँगा, यहाँ पे वो मैसेज क्या दे रहा है, द फॉलोइंग लोकल डिवाइसेस विल बी मेड अवेलेबल टू द रिमोट कंप्यूटर दिस में बी प्रॉम पोटेंशियली अनसेफ, कि आपका जो डाटा होगा वो आपकी जो ड्राइव हो जाएगी वो शेयर्ड फॉर्म की नज़र में आना नजर शुरू हो जाएगी उसके अंदर। इस रेफरेंस से वो कह रहा है कि एक दफ़ा जो अगर आप ट्रस्टेड हो, अगर आप श्योर हो कि वो आपका जो ट्रस्टेड यूज़र है, देन आप इस ऑप्शन को जो ओके करो। कनेक्ट करोगे, आप देखो ज़रा आप यहाँ पे क्या करते हो, आपने एक यूज़र को रिमोटली कनेक्ट किया, अब देखो आपके पास एक ड्राइव आप वाली भी डिस्प्ले हो जाएगी, ये देख रहे हो पॉइंट गेट किया ये वाला, ये शेयर्ड ड्राइव्स के साथ आपको जो लोकल पीसी की जो ड्राइव्स होंगी वो आपको यहाँ पे एज अ शेयर्ड ड्राइव के अंदर जो नज़र आ जाएंगे। अब अगर आप डाटा यहाँ पे कॉपी पेस्ट करोगे, लाइक देखो मैं यहाँ पे डाटा को क्या करता हूँ कॉपी पेस्ट करता हूँ, तो अब ये मेरा डाटा जो है कॉपी पेस्ट हो जाएगा, LCS ने कॉपी पेस्ट नहीं था होना, कॉपी हो गया। डिसकनेक्ट करो सेशन को, लॉग ऑफ करो, देखो कि आपके पास वो फाइल अवेलेबल आ गई है या नहीं। सेशन मैंने डिसकनेक्ट किया, PC1 के अंदर जाता हूँ, डाटा चेक करो कि आपके पास वो फोल्डर आ गया या नहीं। क्लियर हो? ये थोड़ा सा डाटा शेयरिंग के रेफरेंस से था, अगर आप वो लोकल ड्राइव वाली ऑप्शन क्लिक नहीं करोगे। ओके जी, एक दफ़ा वो भी प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूँ आपको, वो आपको कॉपी नहीं करने देगा। ऑप्शन के अंदर जाता हूँ, मैं लोकल रिसोर्सेज के अंदर जाके डिस्क ड्राइव की जो सपोर्ट है उसको ख़त्म करता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, लॉगिन मैंने किया, अब मैं चाह रहा मैं कुछ डाटा कॉपी करूँ। सी ड्राइव के अंदर गया, मैंने फोल्डर कॉपी किया, यही इसको मैं कॉपी करूँगा, मिनिमाइज करता हूँ और अपने यहाँ पे पेस्ट करने की कोशिश करता हूँ। देखो पेस्ट के ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। हाँ, क्या करता हूँ, अगर आप फिर भी इंसिस्ट हो के कॉपी करना है, आपने लाजमी कॉपी करना है, किस हद तक कॉपी कर सकते हो वो आपको बताता हूँ। ये एक फाइल थी, इस फाइल के अंदर कुछ टाइप हुआ हुआ था, आप उसको क्या करो कॉपी कर लो, मिनिमाइज करो, या पे आप अपनी एक लैदा से फाइल बनाओ, मैक्सिमम आप ये कर सकते हैं। अगर आपको GB के अंदर डाटा कॉपी करना हो तो क्या आप ऐसा कर सकते हो? नहीं, उसके लिए फिर आपको वो ऑप्शन यूज करना पड़ेगी। पड़ेगा
दोबारा देखें जी, रिकॉर्डिंग हो रही है, खुद से देख लेना। तुम फाइल कॉपी करना चाह रहे हो, मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, मैं कोई फोल्डर या फाइल कॉपी करना चाह रहा हूँ। इस फाइल को मैंने कॉपी किया, देखो कॉपी किया तो कॉपी हो जानी चाहिए। मिनिमाइज़ कर रहा हूँ, यहाँ पे आके पेस्ट करना चाह रहा हूँ, पेस्ट के ऑप्शन नहीं देगा। कैसे कॉपी कर सकते हो फिर? इस फाइल को ओपन कर लो, इस फाइल के अंदर वाला डाटा जो कॉपी करो, अपने जो लोकल रिसोर्सेज को करो, वहाँ पे पेस्ट करो और जो आप उन चीज़ों को जो गेन करो। मेरा हो गया छोटा सा टॉपिक रिमोट डेस्कटॉप्स, रिकॉर्डिंग हो रही है। अब तो कोई ऐसी कोई बात है नहीं यार, कौन से ऐसे मुश्किल टॉपिक्स हैं जो डिस्कस किए, क्या कह रहे हैं? रिमोट डेस्कटॉप जी, रिमोट डेस्कटॉप्स की ऑप्शन आपको मिलेगी सर्वर के अंदर। डिस्कनेक्ट हो गया, मैं चाह रहा हूँ मेरा ये सर्वर है, इस सर्वर के ऊपर मुझे सारे के सारे रिमोट डेस्कटॉप्स एक ट्री की फॉर्म के अंदर मिले। आप चाह रहे हो कि 100 रिमोट डेस्कटॉप आपको मिले, 100 यूजर जो आपके हैं वो उनके पीसीज को आप देखो, उसके लिए आप क्या करोगे? ऑप्शन जो अवेलेबल है, एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स के अंदर आ जाओ। कल मैंने बोला था कि एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स के ऊपर अब आपका सर्वर जब भी है आप एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स के अंदर हो। अभी हमने सर्वर को प्रॉपर स्टार्ट नहीं किया। ये आपके पास देखो यार रिमोट डेस्कटॉप्स है, क्लियर हो? अभी हमारा एक ऑप्शन और भी अवेलेबल है, सेशन हमने कैप्चर करने है, हमने देखना है पीसी 3 के ऊपर बंदा बैठ के क्या कर रहा है। ये यस, वो इसी के थ्रू देखेंगे। रिमोट डेस्कटॉप्स, रिमोट डेस्कटॉप के अंदर देखो मुझे यहाँ पे जब इसकी विंडोज ओपन होगी, मैंने यहाँ पे क्या करना है, ऐड न्यू कनेक्शन। ओके जी, स्टार्ट सेटिंग, कंट्रोल पैनल, एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स और आपके पास है ये रिमोट डेस्कटॉप्स। किधर गए जी रिमोट डेस्कटॉप्स? ओके हो गया। पहले वाले के अंदर प्रॉब्लम क्या थी, हमने 10 रिमोट डेस्कटॉप्स कर तो लिए लेकिन हमें क्या करना पड़ रहा था, हर एक को मिनिमाइज करना पड़ रहा था। आपने रिमोट एडमिनिस्ट्रेशन करनी थी पीसी 3 की, आप गलती से करके पीसी 5 की, तो बेनिफिट आपका हुआ, चांसेस ऑफ एरर आपको वहाँ पे अवेलेबल है कि आप मिनिमाइज कर रहे हो मैक्सिमाइज कर रहे हो, मिनिमाइज मैक्सिमाइज। इसमें क्या होगा, आपके पास एक कंसोल फॉर्म के अंदर जैसे मेरे पास ये चीज़ अवेलेबल है, इसी तरह आपके पास रिमोट डेस्कटॉप जो अवेलेबल हो जाएंगे। कनेक्ट करता हूँ एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स, रिमोट डेस्कटॉप्स, यहाँ पे मैं ऐड करूँगा कनेक्शंस। मेरे पास 4 पीसीज हैं लेकिन मैं क्या करूँगा, हर एक का यूज़र नेम और पासवर्ड जो सेव करता जाऊँगा। ऐड करता हूँ ऐड न्यू कनेक्शन, यहाँ पे मैंने कौन सा वाला देखो, या तो मेरे पास सर्वर नेम और आईपी एड्रेस, मैं या तो यहाँ पे आईपी एड्रेस देता हूँ 192.168.1.1, या मैं क्या कर देता हूँ PC1 कर देता हूँ। यूज़र नेम मेरे पास क्या है जी इसका, admin1। पासवर्ड मैंने क्या इसका रखा था, 123। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, पासवर्ड इसका सेव कर देता हूँ, ओके करता हूँ। यहाँ पे एक न्यू कनेक्शन क्रिएट करता हूँ, मेरा दूसरा वाला PC क्या था, PC2, और यूज़र नेम था मेरे पास admin2 और पासवर्ड था मेरे पास 123। इसका पासवर्ड भी मैं क्या कर देता हूँ, सेव कर देता हूँ। राइट क्लिक करता हूँ, PC3 admin3, इसका जो यूज़र नेम था, पासवर्ड 123, पासवर्ड सेव करूँगा, ओके। देखो ये टास्क इजी है या दूसरा वाला टास्क इजी था, admin4 123, तो मैं पासवर्ड जो सेव कर देता हूँ। अभी मैंने डोमेन को क्या किया हुआ है, बाईपास किया हुआ है। क्या करता हूँ, क्लिक करूँगा इसके ऊपर, मैसेज वही आया कि एडमिनिस्ट्रेटर से लॉग इन हो, एडमिनिस्ट्रेटर लॉग आप होगा, admin1 जो लॉग इन हो जाएगा। यहाँ पे क्लिक करो, यहाँ पे क्लिक करो, यहाँ पे क्लिक करो, जस्ट क्लिक्स करनी है और आप जो रिमोट डेस्कटॉप जो सारे के सारे जो यहाँ पे कैप्चर कर रहे हो, क्लियर हो? ये मेरे पास अभी कर लो, आ जाओ, क्लियर हो? ये आपके पास देखो, मेरे पास मैंने क्लिक करना है मुझे वो। अब देखो यहाँ पे मैनेजमेंट थोड़ी सी इजी है, कोई क्वेश्चन? अभी एक टॉपिक रहता है, अगर आप बोलो तो वो भी मैं करवा दूँ, सेशन कैप्चरिंग।
काफी है सर। ट्राई कर लेते हैं, अगर आपका जो वो माइंड एग्री कर गया तो ठीक, नहीं तो बाईपास कर देंगे। टर्मिनल सर्विसेज मैनेजर क्या करोगे, इसके अंदर आप किसी यूज़र को सेशन उसके कैप्चर भी कर सकते हो और उसको मैसेजेस भी जो सेंड कर सकते हो। कनेक्ट टू द कंप्यूटर करते हैं, मैं यहाँ पे कनेक्ट करता हूँ, पीसी वन को कनेक्ट करता हूँ। मैं यहाँ पे मैसेज सेंड कर सकता हूँ किसको, मैसेज सेंड करता हूँ सर क्लास शुड बी ऑफ, मैसेज प्रेस करूँगा, वो मैसेज देखो थ्रू नेटवर्क जो मेरे सर्वर के ऊपर मैसेज हुआ गया, मैसेज फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेटर कि क्या कर दो क्लास शुड बी ऑफ। ओके जी क्लास ऑफ है, यहीं पे जो अपना जो रिमोट एडमिनिस्ट्रेशन जो एंड करते हैं। ये है जी मेरे पास।